sir. بسم الله الرحمن الرحيم ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني الله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر प्यारे दोस्तों, कोरोना वायरस जहां पर पूरी दुनिया के अंदर लोगों की जाने ले रहा है और लोगों को तंग कर रहा है, वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला का पाक कुरान पढ़ के लोगों को सेहत याबी की तरफ भी लाया जा रहा है। आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में आप एक ऐसा क्लिप देखने वाले हैं जो कि एक ऐसे डॉक्टर का है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी हिम्मत, इतना हौसला और इतनी इनायत अता की है कि वो लोगों का इलाज कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो किसी मौजजे से कम नहीं है। जनाब डॉक्टर माला अली कुर्दिस्तानी की ये वीडियो आप लोगों की स्क्रीन पर चल रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब ने अपने हाथों पर ग्लव्स पहने हुए हैं, बॉडी पर पीपीआई यूनिफॉर्म पहना हुआ है ताकि कोरोना वायरस से ये खुद भी महफूज रहें और इनसे दूसरे लोग भी महफूज रहें। इनके सामने एक ऐसी बच्ची को खड़ा किया जाता है जो बच्ची पैदाइशी तौर पर सुन नहीं सकती और ये एक एड है जिसके जरिए सुन सकती है और वो एड इसके कानों के अंदर लगी हुई है। दोनों साइड पर यह मशीन है, आप इसको जानते होंगे समाती आले के नाम से। अल्लाह तबारक व तआला की जात महफूज रखे तमाम बच्चों को इस तरह के मसाइल से। दोस्तों, जब उस लड़की की माँ उसके पास खड़ी थी तो ये मंजर देखना उसके लिए बहुत ही अजियतनाक था कि उसकी बच्ची जो कि बिल्कुल छोटी सी है वो बगैर इन समाती आलों के सुन नहीं सकती। लिहाजा वो अपनी बच्ची को लेकर ये डॉक्टर साहब के पास आई और डॉक्टर साहब ने इस बच्ची के जिस्म के बालाई हिस्से यानी कि इसके सर, इसकी गर्दन, इन पर हाथों को एक मखसूस अंदाज में पकड़ा, यानी कुछ इस तरीके से कि इसके जो मसल्स हैं उनको मुख्तलिफ तरीक़ाकार से वो मुख्तलिफ जगहों पर दबाव डाल रहे थे और इस साइंटिफिक तरीके के साथ साथ वो अल्लाह तबारक व तआला के पाक कुरान की एक आयत पढ़ रहे थे। وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا। ये आयत लगातार वो पढ़ते जा रहे थे और कुछ ही देर के बाद उन्होंने इस बच्ची के कानों में से दोनों आले जो हैं वो बाहर निकाले और इस बच्ची के सामने, इसकी साइड्स पर और फिर इसके पीछे जाकर ताली के जरिए इस बच्ची से पूछा कि क्या इसको आवाज आ रही है और बच्ची ने इस्बात में सर हिलाया। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब ने इस बच्ची के सामने अल्लाह का नाम पुकारा। जब इसकी माँ ने ये देखा कि बच्ची अल्लाह का नाम सुनने के काबिल है और बच्ची इस्बात में सर हिला रही है कि मैं वाकई सुनने के काबिल हो गई हूँ, तो ये पूरा मामला बहुत ही रिक्कत अमेज था। यहाँ पर मौजूद लोगों की आंखों से आंसू जारी थे, डॉक्टर साहब खुद भी अल्लाह तबारक तआला का शुक्र अदा कर रहे थे और सबको मुबारकबाद दे रहे थे। इसके बाद इस बच्ची को आगे बढ़ा दिया गया और अगले मरीज की बारी आ गई। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।